हेलो एवरीवन, आई एम राजेश प्रसाद एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और अभी तक क्या हो रहा था कि जब भी मैं व्लॉगिंग कर रहा था तो उसके अंदर फ्रेम के अंदर से मेरा फेस दिखाई दे रहा था। और अभी तक मैं जो व्लॉग बनाता था वो मैं अपने 18-15 मिलीमीटर लेंस से बनाता था, जो कि इतना ज़्यादा वाइड नहीं था। तो क्या हो रहा था कि व्लॉगिंग की जो फुटेज थी उतनी बेहतरीन नहीं आ पा रही थी। सो मैंने डिसाइड किया एक नया लेंस लेने के लिए। और फ़िलहाल जो मैंने लिया है लेंस, वो लिया है मैंने अपना कैनन का 10-18 मिलीमीटर लेंस, जो कि एक बेहतरीन व्लॉगिंग लेंस है। काफ़ी सारे व्लॉगर्स इसको यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के बाद क्या होता है कि जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, यानी फ्रेम के अंदर अभी जैसे कि सिर्फ मेरा फेस और थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई दे रही, इसके अंदर क्या होता है काफ़ी वाइड एंगल लेंस है, तो काफ़ी वाइड चीज़ें कवर हो जाती है इसके अंदर। सो आई होप कि आने वाली जो फुटेज होगी मेरी काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि कैसे अपने वीडियो फुटेज को और सुधारा जाए। तो फिलहाल इस बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स और मैं दिखाता हूँ इससे कुछ कैसा है। तो ये इसमें कुछ ज़्यादा अनबॉक्स करने वाली चीज़ें नहीं है अलग ही। और ये है इसके अंदर लेंस। ये है और लेंस दिखाता हूँ मैं आपको। सो फिलहाल देखते हैं इसे कुछ सिनेमैटिक शॉट्स और फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये लेंस और लगाने के बाद कैसा व्यू आपको देता है। और इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको कि ये लो लाइट कंडीशन में कैसा परफॉर्मेंस करता है, मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। सो पहले देखते हैं सब कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। तो चलिए फिर मैं इसको माउंट करता हूँ अपने कैमरे पे और मैं दिखाता हूँ कितना ज़्यादा ये वाइट शो करता है। ठीक है, तो चलिए इसको माउंट करते हैं। सो ये है अभी 18 मिलीमीटर पे, जैसे कि आप फुटेज देख रहे हैं। और इसके बाद मैं करने वाला हूँ इसको 10 मिलीमीटर पे और देखते हैं कैसी फुटेज आती है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वाइड है और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही है। और ये दिखाता हूँ दोबारा 18 मिलीमीटर, ये 18 मिलीमीटर इतना आपको सिर्फ मेरा फेस दिखाई दे रहा है। और ये जो मैं जैसे मैं करता हूँ इसको 10 मिलीमीटर पे, काफ़ी सारी चीज़ें वाइट दिखाई देती। तो पहले काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुआ करती थी और कई बार मैं जब वीडियो शूट करता था तो मेरा फेस आता था लेकिन बगल वाला कोई है उसका फेस नहीं आ पाता था। कभी कभी ऐसा होता मेरा फेस आधा कट जाता था। तो इसके अंदर क्या होने वाला है कि सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, तो इसलिए मैंने लेंस लिया। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाया जाए। और सो इसलिए मैंने बेस्ट व्लॉगिंग लेंस लिया है कैनन का 10-18 मिलीमीटर का बेहतरीन लेंस, या फिर बेस्ट व्लॉगिंग लेंस भी कहा जाता है। और इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसका जो अपर्चर है वो 4.5 से लेके 5.6 है, जो कि ये थोड़ा बहुत हल्का सा लो लाइट कंडीशन में बेहतरीन तो परफॉर्मेंस नहीं करता है। बट मैंने कुछ फोटेजेस ली है जो कि लो लाइट कंडीशन में या फिर नाइट कंडीशन में, तो आप उसे देखिए और देखिए आपको पता लगेगा कि ये कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। सो दिस इज़ अ टेस्टिंग ऑफ कैनन का 10-18 मिलीमीटर लेंस। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वाइड आ रहा है। दिस इज़ ओनली द टेस्ट कि आपको लो लाइट कंडीशन में और ये लेंस कैसा आपको पिक्चर क्वालिटी देता है। तो जो टेस्ट था यहाँ का ओवरऑल अकॉर्डिंग टू प्राइस ठीक था, 20 रुपये की प्लेट थी यहाँ पर। सो अभी जो टेस्टिंग चल रही है मेरे नए कैनन के 10-18 मिलीमीटर लेंस की, लो लाइट कंडीशन में कैसा परफॉर्मेंस करता है उसके लिए मैं अभी शूट कर रहा हूँ। और आई होप कि जो फुटेज है काफ़ी अच्छी है।
जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वाइड है। अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, ये अभी जो मैंने नया लेंस परचेज़ किया है इसका जो प्राइस है वो अप्रोक्स होता है 18,000 रुपीज़, और आप ऑनलाइन भी से खरीद सकते हैं और ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं अपने नियरेस्ट मार्केट से। ये जो मैंने लेंस लिया है कैनन का 10-18 mm, ये मैंने कैनन स्टोर से लिया है, वहाँ मुझे पड़ा ये अप्रोक्स 18,000 रुपीज़ का। और बेस्ट व्लॉगिंग लेंस था तो मैंने सोचा इन्वेस्टमेंट करना बढ़िया रहेगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि मेरे व्लॉगिंग का जो क्वालिटी का लेवल है थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और आगे फर्दर जितने भी अपडेट हैं मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आई होप कि जो आने वाली वीडियोज़ हैं मेरे कैनन के 10-18 mm लेंस पर शूट होने वाली है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें वाइड आपको फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छी फोटेज आपको देखने को मिलेगी। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।